अम्बाला में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रोजाना डॉग बाइटिंग के कई मामले सामने आते हैं। वहीं अब इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम भी तैयार है। अगर अस्पताल के आंकड़ों की बात करें तो अम्बाला के नागरिक अस्पताल में बीते एक माह में 1200 से ज्यादा लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए अम्बाला शहर नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि बीते एक माह में नए और पुराने मिलाकर 1211 मामले आए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से भी सलाह दी कि डॉग्स को ना छेड़ें, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ते हैं तो वह काटते हैं। आपको बता दें कि अम्बाला में बढ़ते कुत्तों की संख्या को देखते हुए जब नगर निगम से बात की गई तो नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर लगा दिया गया है। अगले हफ्ते में टेंडर खुलेगा और अम्बाला की जनता को राहत मिलेगी। वहीं हवाई सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की वजह से आम जनता भी काफी परेशान है। बातचीत करते हुए आम जनता ने बताया कि उनका रात को घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। आवारा कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि गली से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे पास 1211 केस आए हैं, उसमें से जो न्यू केस हैं वो हैं 399 और जो ओल्ड केस चल रहे हैं वो 812 है। तो ये टोटल जो हमारे पास सारे हॉस्पिटल में केस आए दैट इज 1211। हाँ जी, और सभी जगह से आते हैं। मोस्टली तो ऐसे होता है अगर हम डॉग को कुछ छेड़ते हैं उसको, तो वो खासकर जो छोटे पपीज होते हैं उनको जब बच्चे या कोई छेड़ता है वो अच्छे तो लगते हैं, तो उनकी जो मदर होती है, बिच होती है, वो काटती है। तो तकरीबन छोटे जो बच्चे होते हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। और वो मैंने बहुत बार देखा है छोटे छोटे पपीज से, छोटे बच्चे ही आजकल फ्री हैं, पेपर देकर फ्री हैं, तो खेलते रहते हैं, कभी पूंछ पकड़ ली, कभी कान पकड़ लिया, कभी कुछ खिलाने चले गए। तो मेनली वो छेड़ने से ही होता है, अगर और छेड़ने का मन छोटे बच्चों को करता है जैसे, तो छोटे बच्चे या बड़े जो भी डॉग के बच्चों को आगे छेड़ते हैं, बिच के बच्चों को, तो उसके कारण थोड़े ये केस है। हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि हम डॉग को छेड़ें या उसके बच्चों को छेड़ें, तो केसेस डेफिनेटली कम होंगे, थोड़े से बड़े हैं। समस्याएं आ रही हैं, इसका हमने संज्ञान लिया है और पूरे सिर्फ कॉरपोरेशन में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी जितनी भी काउंसिलर कमेटी भी है वहाँ भी हम चारों जगह जो है डॉग्स के रिलाइजेशन का टेंडर लगा रहे हैं। आप सोचेंगे इसी वीक टेंडर लग जाएगा तो होपफुली अप्रैल के मिड में जो है काम इसका शुरू हो जाएगा। सर इसका तो बहुत दिक्कत है मैडम, हमें हमारी कॉलोनी में इतने दिखते हैं रात को काटने के दौड़ते हैं, बच्चे परेशान हैं, वहाँ घूम नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, तो कुत्ते ऐसे पढ़ते भी ऐसे कोई हिसाब ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना भोंग पढ़ते हैं काट दिया, इनका तो कोई इलाज कराया सर, हम तो बहुत परेशान हैं इनसे, कॉलोनी बहुत तंग है, हम भी खुद बहुत आगे, दो बजे बाद हम तो निकल नहीं पाते, कुत्ते इतना घेर लेते हैं जैसे हिसाब ही कोई नहीं, प्लीज कोई इलाज कराया जाए आपकी बड़ी मेहरबानी। टेंडर जो है वो निगम ने दिया था पर लेकिन वो कंपनी अभी काम नहीं कर रही है पैसों के लिए, और उसमें उसके इलेक्शन दिया जाए, पैसे काम नहीं कर रही है उसके इलेक्शन दिया जाए, हमें तो सुधर चाहिए ना जी, जिसे पैसे लिए वो अच्छा काम करे, नहीं करता उसका इलेक्शन दिया जाए।